नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अनशन, पुलिस ने जबरदस्ती उनको पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवा दिया क्योंकि उनकी तबीयत अनशन वाले स्थल पर बिगड़ रही थी, तो डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में रहे, लिहाजा उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तेजस्वी यादव आखिरी वक्त में पहुंचे उनसे मिलने पीएमसीएच में, उन्होंने मुलाकात की और साथ में थे आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। इन तमाम लोगों की मुलाकात पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में हुई और वहां पर तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी और तमाम जो नेता थे वो पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा का हालचाल लिया। तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछ रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए कल रात में देखी न्यूज में, आए हाँ अरे हाँ देखा अभी आए थे वापस कितना क्या था ठीक है क्या हम लोग बोले थे आए थे तो निमंत्रण में जाके मत की जा रहा सर कसाई साहब है सब ध्यान रखिए। अरे आप बिजी है तब तक मेरा काम हो जाएगा ना। पल्स रेट होगा क्या सर? बी पी या पल्स होगा वहाँ मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में भी डॉक्टर वहाँ भी महंती बनी है मेडिकल कॉलेज। हम वही बोले कि वहाँ अगर आप दे सकते बी पी कितना है। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर हैं। चार दिन आज गुजर चुके हैं और इनका जो आरोप है वो ये है कि सरकार ने पहले कहा कि वो केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देगी, लेकिन बाद में जमीन नहीं दी जा रही है जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा के इस आमरण अनशन वाले पूरे प्रकरण को देखें तो तेजस्वी यादव जो मिलर हाई स्कूल ग्राउंड है जहां पर वो आमरण अनशन पर थे वहां नहीं पहुंचे, लेकिन वो पहुंचते हैं पीएमसीएच में जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर सी है, जहां वो इलाजरत हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला है, सवाल खड़े किए हैं, सवाल इस बात का कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को मारना चाहते। छोड़ जाते हैं आपको तेजस्वी यादव के उन्हीं बयानों के साथ जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि उपेंद्र कुशवाहा जिंदा रहें। कुशवाहा जी की तबीयत कैसी है, आपने मुलाकात की है? मुलाकात हुई है और काफ़ी उनको तकलीफ है और स्थिति जो है नाजुक है और इस परिस्थिति में ज़्यादा बातचीत करना भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत की है तो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है एक अलग तरीके से हम लोग लड़ें, अलग आंदोलन का रूप दें और अनशन जो है, क्योंकि सेहत रहेगा तभी आप आगे की लड़ाई लड़ पाओगे, शरीर रहेगा तब, और इस हालात में हमको तो ठीक नहीं लगता। हम लोग चाहते हैं कि अनशन जो है वो तोड़े, उसमें हमने उनको सलाह दी है कि जैसा आपका विचार होगा आप विचार करके, क्योंकि महागठबंधन हम लोग सब लोग एक हैं और समर्थन इस मुद्दे पे तो हम लोगों का पहले से है ही, लेकिन हम पर्सनली चाहते थे तक ये जो कसाई वाली जो सरकार है इसके आगे जो है आंदोलन मजबूती के साथ आर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अनशन वनशन ये तो चाहते हैं कि लोग जो है मर जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि सरकार को चिंता ही नहीं। तो आप बताइए कौन सी ऐसी मांग है जो ये असंभव है,
हमको जहाँ तक एहसास है, अगर इस ज़मीन को कोई महंत देना चाहते हैं केंद्र विद्यालय के लिए, तो जो मेडिकल कॉलेज जो आपके समस्तीपुर में जो खुला, सब लोग जानते हैं वो उसको भी किसी महंत नहीं दिया है। और जहाँ तक हमको सूचना है, उस ज़मीन में अभी भी झंझट है, लेकिन फिर भी शिलान्यास हुआ है। ये चीज़ें हैं, आखिर अलग अलग चीज़ें क्यों? स्कूल बनेगा तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तेजस्वी जी, ऐसी नाजुक स्थिति में क्या नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको आके देखना चाहिए, हाल जानना चाहिए? उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं, वो अनुभवी हैं, लेकिन दिक्कत है कि वो नकारात्मक आदमी हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये अनशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नीतीश कुमार जी चाहते तो अनशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या लगता है कि क्रेडिट उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा, इस बात से डरते हैं नीतीश कुमार?